हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपने मुझे जो पिछली वीडियो में प्यार दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोतीचूर फ्लाईओवर की जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें आप सभी का बहुत प्यार मिला है, और साथ में मेरे कई भाइयों ने कमेंट भी करा है कि भाई साहब अब एक बार जरा रायवाला अंडरपास का प्रोग्रेस भी हमें दिखा दीजिए, क्या वहाँ की अपडेट है। तो मेरे भाइयों, आज हम उसी को जा रहे हैं, उसी की प्रोग्रेस देखने क्या नई अपडेट है। तो उसके लिए हम चल रहे हैं रायवाला और देखते हैं वहाँ पे जो अंडरपास बन रहा है उसकी क्या नई अपडेट है और उसका काम कहाँ तक पहुँचा है। पर उससे पहले हम जा रहे हैं यही मोतीचूर वाले फ्लाईओवर से, जो उत्तराखंड का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। और मैंने अपने पिछली वीडियो में प्रॉमिस भी किया था कि मैं इसे एक बार और आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं सिर्फ उसे एक साइड से ही दिखा पाया था, उसकी एक लाइन उस दिन बंद थी। तो आज हम जा रहे हैं फ्लाईओवर के ऊपर से ही, तो आज इसको इस साइड से देखेंगे जो शांति कुंज से शुरू होता है और रायवाला तरफ जाता है। तो आज इस वाली लाइन पर हम चल रहे हैं, मैं खुद इस पर पहली बार ही जा रहा हूँ इस लाइन से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे अब कितनी तेज़ गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि जो यहाँ पे आए होंगे उन्होंने देखा था कि कितना ज़्यादा यार जहाँ पे एक तगड़ा जाम लगता था इस मोतीचूर वाले फाटक पे, घंटों हम लोग फंसे रहते थे। पर आज देखिए कैसे फर्राटे की तरह गाड़ियाँ निकल रही हैं। और अभी हम आ चुके हैं पुल के ऊपर, अभी पुल आएगा आगे। तो अच्छा, सड़क की बात करें तो थोड़े से आप देख रहे हैं कि झटके से लग रहे हैं, वो इसलिए लग रहे हैं कि ये वैसी तारकोल वाली सड़क नहीं है, इसे शायद रबड़ की सड़क बोला जाता है। तो इस वजह से थोड़ा इसमें ये हल्का ये शेक होके चलती है गाड़ी, पर कुछ नहीं से कुछ बहुत बेहतर है ये पहले की स्थिति से। आपकी सिचुएशन कितनी बदल गई है ये देख के अच्छा लग रहा है। और पूरे हरिद्वार के और देहरादून के सभी लोग बहुत खुश हैं, और जो बाहर से भी हरिद्वार या देहरादून आने वाले हैं उन्हें भी ये जब पता लगा है कि मोतीचूर का फाटक अब खुल चुका है, तो यकीन मानिए सब बहुत खुश हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं, क्योंकि सब खुश हैं इस तरह के की प्रोग्रेस देख के, डेवलपमेंट देख के। आज मौसम भी धूप वाला है, उस दिन मैं कहा था तो उस दिन बहुत ज़्यादा कोहरा था, पर आज मौसम बहुत अच्छा है। आप सड़क भी देख रहे हैं कितनी चमक रही है, ये रबड़ की सड़क है। तो अभी हम नदी के ऊपर से ही निकल रहे हैं, तो काफ़ी लंबा पुल है। देखिए आप कितनी देर से हम भी निकल रहे हैं, और उस टाइम मेरी गाड़ी की स्पीड भी 60 है, पर पता ही नहीं लग रहा है। और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, नीचे से रेल की पटरियाँ, नदी। तो अभी हम चले ही जा रहे हैं। उत्तराखंड का सबसे लंबा फ्लाईओवर है ये, तो इसके खुलने से हम सभी की जो उत्तराखंड में आते हैं, देहरादून जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, उन सब की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब उन्हें वो घंटों वाला जाम नहीं मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था रायवाला अंडरपास की। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट में कहा है कि दीपक भाई, आप रायवाला अंडरपास की भी एक प्रोग्रेस हमें बताएं, कहाँ तक उसकी अपडेट पहुँची है। तो उसी की तरफ चल रहे हैं आज हम। मेरे पास थोड़ा सा वक्त था तो मैंने सोचा कि आज ही आपको मैं रायवाला अंडरपास की तरफ ले जाऊं और लाइव दिखाऊं वहाँ पे कि कितना काम वहाँ तक पहुँचा है और क्या क्या नए काम हो रहे हैं और कितना वक्त अभी वहाँ पे लगेगा। तो ये रायवाला की रोड है, तो ये कितनी अच्छी रोड हो चुकी है। जब काम पूरा हो जाएगा इस पूरे एक्सप्रेसवे का, इस पूरे हाईवे का, हरिद्वार से देहरादून तक का, तो ये पूरी रोड कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ये देखिए, यहाँ पे आप कितनी भी अपनी गाड़ी खोल सकते हैं, कोई जाम नहीं, आराम से आप पहुँच सकते हैं देहरादून 45 से 50 मिनट के अंदर। और ऋषिकेश का भी यही रास्ता है, तो ऋषिकेश में भी जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी चलते हैं सीधे हम रायवाला की तरफ, और आपको मैं बताता हूँ वहाँ का अंडरपास इस वक्त कितनी प्रोग्रेस पर है। तो चलिए। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम रायवाला। तो मैं अगर बात करूं, यहाँ पे जो बन रहा है अंडरपास रायवाला में रेलवे पुल के नीचे, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है हरिद्वार देहरादून के बीच में। जो हम जाएंगे देहरादून उसको बहुत स्मूथ कर देगा ये अंडरपास।
क्योंकि यहाँ पे जो ये रेलवे पुल के नीचे से जो निकलना पड़ता था वो इतना ज़्यादा इरिटेट करता है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी एक तंग सी जगह होती थी, वहीं से बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं। चलो मैं आपको चल के ही दिखाता हूँ, ऊपर के चल के दिखाता हूँ। वैसे तो उन्होंने डाइवर्ट कर रखा है, उधर से रास्ता कर रखा भी सिंगल लाइन में, पर मैं आपको लेके ही चल रहा हूँ ऊपर। देखिए मैं भी ऊपर से आपको गाड़ी रोक के ही देखते हैं हम कि कैसा हो रहा है। तो थोड़ी ऊपर और आगे तक जाते हैं, देखते हैं कितनी आगे तक हमारी गाड़ी जा सकती है। तो यहाँ पे तो उन्होंने खोद रखा है अंडरपास का, जो उन्होंने दो लाइन बनाई है वो तो इन्होंने बना दी है, पर मेन काम है जो रेलवे के नीचे से अंडरपास बनाना है वहाँ का ही काम इनको अभी बचा है। तो यहीं लगा देते हैं गाड़ी, क्योंकि इसके आगे तो मुझे लग नहीं रहा कि हमारी गाड़ी जा पाएगी, तो यहीं खड़ी करते हैं। तो देखिए यह है बिल्कुल लाइव अपडेट है, आप ये देखिए। तो इन्होंने ये दो लाइन यहाँ तक बना दी और इसके आगे भी इतना काम बच रहा है। अभी तो इनके सरिये वगैरह ही लगेंगे, ये देखिए वेल्डिंग वगैरह काम चल रहा है, तो अभी तो इनके सरिये खड़े हो रहे हैं, तो टाइम तो इसमें लगेगा। तो ये बिल्कुल लाइव देख रहे हो आप, आज 24 जनवरी है। प्रेस आपको बताता हूँ, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी इस तरीके का काम चल रहा है। तो अभी 2 से 2.5 महीने भी इस काम में लग सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मोटा मोटा काम अभी काफ़ी रह रहा है। जो मोटा मोटा काम है, यहाँ तक कि इन्होंने सड़क तो बिछा दी है, सड़क का काम तो इनका हो चुका है, पर जो अभी अंडरपास जो नीचे से निकलना है उसमें काम में इनको टाइम लगने वाला है। तो अभी तो इनके सरिये ही तैयार हो रहे हैं। तो ये रायवाला का वही अंडरपास है जिसका बहुत लोगों को इंतजार है, क्योंकि देहरादून जाने में एक यहाँ पे बहुत झमेला मिलता है जाम का, क्योंकि रेलवे लाइन निकलती है उसके नीचे से जाना पड़ता है, और अगर आपके आगे कोई ट्रक वगैरह या टेलर आ गया तो फिर तो बहुत जाम मिलता था, आपने देखा ही होगा। तो इसमें इसकी सबको इंतजार है, तो मैं इसकी अपडेट ऐसी ही आपके लिए लाता रहूँगा। तो फिलहाल मैं अभी आपको इसकी देख के बता रहा हूँ कि अभी इसमें 1.5 से 2 महीने भी आराम से लग जाएंगे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, आज ही मैंने एक वीडियो बनाई है 24 जनवरी को, और आज ही मैं इसे अपलोड कर दूँगा। तो 24 जनवरी को रायवाला अंडरपास का फिलहाल ये है हाल, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अब आगे के सफ़र में। अब मैं आगे का दिखाता हूँ आपको कि आगे और क्या क्या है इसी केस के रास्ते में। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, फिलहाल तो पुलिस ने ये रास्ता ही डाइवर्ट कर रखा है, सिंगल लाइन है, एक ही इसी लाइन से आना है, इसी लाइन से जाना है। जब ये अंडरपास बन जाएगा तब बहुत सहूलियत हो जाएगी देहरादून जाने में, ऋषिकेश जाने में। तो अभी हम इसी तरफ से जा रहे हैं। अभी मैं आपको वो रेलवे पुल दिखाऊंगा जो अब कुछ ही दिन की बात और रह गई कि कितनी परेशानी हम शुरू से झेलते आते थे। वो छोटा सा रेलवे पुल और बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाती थी तो बहुत घंटों जाम लगता था। मैंने अपनी स्टडी, अपनी जो मैंने कॉलेजिंग है वो ऋषिकेश से ही की है, तो 3 साल तक हम यहीं फंसते थे। तो मुझे तो वो चीज़ें आज भी सोच सोच के आती है, काश उस वक्त ये बन जाता। पर कोई बात नहीं, हमारे से अगली जो पीढ़ी आएगी और हम भी, अब कम से कम उन्हें वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। देखिए यही है वो रेलवे पुल, अब आप खुद देखिए कितना छोटा सा, एक गाड़ी बड़ी सी जा रही है इसमें से। ये देखिए यहीं पे गन्ने पड़े हैं, क्योंकि ट्रक वगैरह निकलते थे ये किसानों के और फार्मर वगैरह जाते थे। तो ये है इसका रास्ता, और यहाँ पे ऐसे ही देख रहे हो आप कैसे लाइनें लगी हैं। थोड़ा सा ही अगर मतलब रश वाला दिन होता था ना, कोई त्यौहार होता था या सीज़न का टाइम होता था, तो भयंकर जाम लगता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चलो यहाँ से भी रुक के मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कंडीशन। ये अंडरपास का अगला छोर है, इसे रुक के ही दिखाता हूँ मैं आपको, यहीं पर रुक जाते हैं थोड़ी देर और दिखाता हूँ मैं आपको पूरी कंडीशन। ये हमारा नेपाली फार्म वाली साइड से है, टाइम लगेगा 1.5 से 2 महीना भी लग जाएगा, तेजी से काम तो हो रहा है। यहाँ तक इनका पुल भी बन गया है और इन्होंने वहाँ से भी दोनों लाइनें डाल दी हैं, पर जो मेन अंडरपास है उसमें भी इनको लग जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ सरिया डालने का काम हो रहा है, तो लगेगा इसमें। वैसे इन्होंने बहुत मैन पावर तो लगाई रखी है। चलिए चलते हैं आगे का देखते हैं। ये सोंग नदी है जिसपे ये ब्रिज बना है, यहाँ भी डबल पुल हो चुके हैं। और नेपाली फार्म का आपको पता है कि नेपाली फार्म तो ओपन हो चुका है। अच्छा, ये जो आप मेरे सामने फ्लाईओवर देख रहे हैं जो सीधा जा रहा है, ये जा रहा है ऋषिकेश को, ये भी जब ओपन होगा तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और आप नेपाली फार्म को देखिए कितना स्मूथ हो चुका है। ये टर्न लिया इन्होंने लेफ्ट साइड पर और देखिए ये गया, पहले कितना जाम मिलता था नेपाली फार्म तिराए पर अब देखिए पता भी नहीं लगा कब नेपाली फार्म आया और निकल गया।
तो चलो सीधा चलते हैं, थोड़ा और आगे तक जाते हैं। थोड़ी सी आगे छिद्रवाला का भी फ्लाईओवर है, जिसकी अपडेट देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुँची है, उसका प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। वैसे तो कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी वो खुलने वाला है, तो चल के देख ही लेते हैं हम कि अभी कितने टाइम और लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल अपने फाइनल फाइनल दौर से गुजर रहा है। वो कभी भी 2-4 दिन के अंदर वो कभी भी ओपन हो सकता है। जब ओपन होगा तो मैं बनाऊंगा वीडियो, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा लगता है वहाँ पे छिद्रवाला का फ्लाईओवर ओपन होने के बाद। तो थोड़ा सा देखे आते हैं, क्योंकि मेरे भी घर से कॉल आ गई है, तो अभी मैं पूरा तो कवर नहीं कर पाऊँगा। तो अभी तक छिद्रवाला तक चल के हम देखे आते हैं, फिर उसके बाद हम वापस अपने घर की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद ये फ्लाईओवर चालू हो जाएगा। ये छिद्र वाला फ्लाईओवर है, जब आप देहरादून की तरफ जाते हैं तो नेपाली फार्म से जो अगला आपको पड़ेगा ये वहाँ पे पड़ेगा, ये फ्लाईओवर छिद्र वाला से पहले बीच में। ये भी काफ़ी लंबा फ्लाईओवर होने वाला है। तो यही था छिद्र वाला का फ्लाईओवर। आप थोड़ा वापस चलते हैं। तो वापस फिर से हम नेपाली फार्म की तरफ आ गए, पर आप मेरे राइट साइड देखिए ये कितना प्यारा टर्न है। जब आप हरिद्वार से देहरादून की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और जो लेफ्ट हैंड में रास्ता गया है तो वो गया ऋषिकेश की तरफ। ऊपर आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर है, ये भी कुछ दिन में खुल जाएगा, तो ये भी ऋषिकेश की तरफ जाएगा। तो दोस्तों यही था एक छोटी सी प्रोग्रेस अपडेट रिपोर्ट रायवाला अंडरपास और छिद्रवाला फ्लाईओवर की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुंभ से जुड़ी इस तमाम जानकारियाँ और अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए एक से एक इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।